चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये पॉलिटिकल क्रॉप है, इस पे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते रहेंगे। 27 तारीख में हमें कमिश्नरियों पे धरना देना है अगर हमारा भुगतान ना हुआ। हमें भाईचारे को कायम करना पड़ेगा, भाईचारा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली जी, हमारे बीच में मौजूद हमारे इस जो ये आंदोलन चल रहा है, जो हमारा ये एक महीने से जो है ये मीटिंगें और धरने चल रहे हैं, उसके हमारे जो है कमिश्नरी के अध्यक्ष त्रिस्पाल मलिक जी, हमारे शामली से विधायक भाई प्रसन्न चौधरी जी, ऋषिराज राजड़ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सतवीर पवार जी, अनवार भाई, हमारे बाबा शोकेंद्र जी और हमारी महिला की जिलाध्यक्ष सरोज मलिक जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित, सम्मान के योग्य सभी किसान भाई, इस प्रोग्राम का बड़े खूबसूरती से संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर साहब, पत्रकार बंधुओं, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से, ऋषिराज जी रहे हों, नवाजिश आलम जी रहे हों, हमारे उमेश प्रधान जी रहे हों, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से इन सभी बातों को, सभी मुद्दों को जो आज हमारे धरने के हैं वो रखे हैं। और बाकी ये सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा ये आदेश हैं कि किसानों को 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट किया जाए, और अगर 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान नहीं होता तो उसको मैं ब्याज के भुगतान किया जाए। आप देख रहे हैं किसान जो है अपनी फसल के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं और वो लोन उठाता है, अगर एक साल से एक दिन ज़्यादा हो जाए तो आपका ब्याज जो है बढ़ा दिया जाता है। और किसान का जो भुगतान है वो दो दो साल हो गए, कोई भुगतान करने की सोचता भी नहीं है, और शासन में जो बैठे लोग हैं वो गन्ने को पॉलिटिकल क्रॉप कहते हैं, पॉलिटिकल क्रॉप, कि गन्ना तो जो है ये पॉलिटिकल क्रॉप है, इस पे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते रहेंगे। उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पहले तो राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक थे 2012 से 17 से 22 तक, वो भी चले गए थे, मगर अब 8 विधायक थे, अब 9 विधायक हो गए हैं, और जितने भी सेशन गए हैं, चाहे वो आपका जो है बजट सेशन रहा हो, मानसून सेशन रहा हो, अनुपूरक बजट रहा हो, हमारे सभी विधायकों ने गन्ने के ऊपर प्रश्न लगाए, सदन के अंदर जो है गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग करी, सदन के बाहर भी चौधरी साहब की मूर्ति पर, वहाँ भी धरने पर बैठे, वहाँ भी मांग करी कि किसान, गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए, मगर सरकार की जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार चाहती, अगर सरकार चाहे आज भी, तो किसी मिल मालिक की हिम्मत नहीं है वो 14 दिन से ज़्यादा आपके गन्ने का बकाया भुगतान, आपके गन्ने का भुगतान रोक ले। तो ये सोच है चौधरी साहब का, ये निर्देश है, उन्हीं के निर्देश पर ये आंदोलन और ये सब चल रहे हैं। 27 तारीख में हमें कमिश्नरियों पे धरना देना है अगर हमारा भुगतान ना हुआ, और मार्च में कोई भी तारीख आ जाएगी चौधरी साहब के नेतृत्व में, अभी अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि जो उनके नेतृत्व में जो है हम जो है विधानसभा का घेराव हम सब लोग करेंगे। मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दरख्वास्त है कि हमें मजबूती के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, और हमें जो है अभी नवादिश भाई भी कह रहे थे और ऋषिराज राजड़ जी ने भी बहुत सी बातें कही हैं जो हमारे समाज में चल रही हैं और जो हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक हैं। हमें भाईचारे को कायम करना पड़ेगा, भाईचारा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, हमारे देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है। जब हम सब लोग मिल के जुल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहेंगे, आपने देखा भाईचारे का कितना बड़ा असर जो है खतौली के चुनाव पे हुआ है, कितनी बड़ी जीत, वहाँ चौधरी साहब ने भाईचारे का ही नारा दिया था, सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे होकर सर समाज का वोट जो है हमारी पार्टी को मिला है, और एक बड़ी जीत वहाँ से, ऐतिहासिक जीत जो है खतौली से हुई है। मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दरख्वास्त है, बहुत वक्त से सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारे जो है सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी को बोलना है, अध्यक्ष जी हैं, एसडीएम साहब हमारे बीच बैठे हैं हमारा जो है ज्ञापन लेने के लिए। मैं तो सिर्फ
ये आप सभी लोगों से दरखास्त करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि इस लड़ाई को हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा और अपने हक को जो है सरकार से छीनना पड़ेगा। मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप इस मौके पर यहाँ आए, इकट्ठा हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय।